हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन मिला। आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाने वाले हैं। ये ड्रेस आप 3 और 4 नंबर के कान्हा जी को पहना सकते हैं। मैंने ये ड्रेस 4 नंबर के कान्हा जी को पहनाई हुई है। मेरे पास 3 नंबर के भी कान्हा जी है, 3 नंबर को भी पहना के देखिए, बहुत अच्छे से बिठा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कैप भी बहुत अच्छे से आ जा रही है। तो आप 3 नंबर को भी और 4 नंबर दोनों साइज को पहना सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मुझे वहां पे फॉलो करिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अमृति फैशन लव ब्यूटी, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं हम ये ड्रेस कैसे बनाएंगे कान्हा जी के लिए। ये देखिए, मैंने यहाँ पे नीले कलर में चोली बना ली है और ये मैं ड्रेस बनाने वाली हूँ 4 नंबर के कान्हा जी के लिए, बट इसे आप 3 नंबर को भी पहना पाएंगे। तो ये चोली का लिंक अगर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना दे पाऊँ तो आप सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पे कि हाउ टू मेक चोली 3 to 4 नंबर लड्डू गोपाल जी बाई अमृति फैशन विला, तो आपको मिल जाएगा। या फिर ये भी सर्च कर सकते हैं कि लड्डू गोपाल जी की चोली कैसे बनाए बाई अमृति फैशन विला, तो आपको कई सारी चोली की वीडियो मिल जाएगी। अब ये देखिए, इसका जो नीचे वाला हिस्सा है यहीं से हमें बुनाई शुरू करनी है। तो ये देखिए, यहाँ पे अब मैं अपना सेकेंड कलर लगा रही हूँ, ये इस तरह से लगाया मैंने। और ये देखें, 1 2 2 चेन बनाई और इस तरह से करेंगे। अब यहीं जहाँ भी मैंने डाल के चेन बनाई सेम जगह डाला और देखें इस तरह से ये बुन दिया। ये एक बार मैंने बुन दिया डबल क्रोशिया, फिर सेम जगह डाला, एक बार और बुन दिया डबल क्रोशिया, 2 बार हो गया, फिर इस तरह से किया और सेम जगह डाल के एक बार और बुन दिया। टोटल हमने यहाँ पे 4 बार डबल क्रोशिया बुनी है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ इस तरह से करेंगे और यहाँ पे अब हमें एक चेन का गैप देना है। एक चेन का गैप देने के बाद अगली चेन में फिर हम अपना 4 बार डबल क्रोशिया बुनेंगे। देखें, 1 बार हो गया, ये हमारा 2 बार हो गया, ये 3 बार हो गया और ये हमारा लास्ट 4 बार हो गया। ये इस तरह से, फिर इस तरह से किया और देखें, फिर एक चेन का गैप देने के बाद अगली चेन में हम यहाँ पे टोटल 4 बार डबल क्रोशिया बुनेंगे। तो चलिए मैं इसी तरह से अपना पूरा रो कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए, यहाँ पे हमने अपनी पूरी रो जो है बुन दी है। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसे खींचेंगे, खींच के लंबा करेंगे और लंबा करने के बाद देखें इस तरह से इसके सेंटर से पूरा स्वेटर निकालेंगे तो यहाँ पे हमारी एक नॉट आ जाएगी इस तरह से। ये हमने इधर नॉट लगा दी। अब फिर हम इधर से शुरू करेंगे, ये जो हमने अपनी 4 यहाँ पे चेन बनाई हुई है इसके सेंटर से हमें बुनना शुरू करना है। तो यहाँ सेंटर में मैंने डाला, ये देखें, ये रेड कलर का ऊन ले लिया है और रेड कलर से हम बुनेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे बुनना है। ये देखिए, सेंटर से निकाल लिया, फिर 1 2 3 3 हमने चेन बनाई, ये इस तरह से लपेटेंगे, यहाँ डाला अंदर, इसे देखें ऐसे खींच के लंबा कर लिया, 1 बार लंबा किया, फिर हमने इस तरह से किया, यही सेम जगह पे डाला, फंदे को निकाला, फिर इसे हमने खींच के लंबा कर लिया, 2 बार हमने किया, फिर हमने इस तरह से किया, सेम जगह डाला, फिर हमने फंदे को निकाला, इसे खींच के लंबा कर लिया, 3 बार किया, फिर हमने इस तरह से किया, सेम जगह डाला, फंदे को निकाला, खींच के लंबा कर लिया, टोटल 4 बार हमने किया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसे पूरा अच्छे से आप खींच के लंबा कर लें। अब देखिए यहाँ पे मैं ये जो हमारा ऊन है इसे यहाँ इस तरह से ऐसे पकड़ूंगी, पकड़ने के बाद देखें यहाँ इस तरह से लगाया, लगाने के बाद ये फंदे को निकाल लिया। अब देखिए ये पकड़ने की वजह से यहाँ पे देखिए ये साइड में ऐसे बचा हुआ है, बस इसी में इस तरह से डालना है, डालने के बाद ये निकाल लेना है। देखें ये हमारा डिज़ाइन यहाँ पे बन गया। अब इसे हम एक फंदा कर लेंगे, ये देखें हो गया, फिर यहाँ पे हम 1 और 2 2 इस तरह से हमने यहाँ पे चेन बना ली। अब हमें कैसे करना है, फिर हमने इस तरह से किया। अब देखिए जो अगला हमने अगली चेन में यहाँ पे ये 4 बनाया हुआ है, 4 का बंच अपना, इसी 4 के बंच के सेंटर से डालेंगे, 2 इधर और 2 इधर, छोड़ते हुए हमने डाला, फंदे को निकाला, इसे खींच के लंबा किया, 1 बार किया, फिर हमने इस तरह से किया, यहाँ पे डाला, 2 बार लंबा किया, फिर हमने इस तरह से किया, सेम जगह डाला, 3 बार खींच के लंबा किया, फिर इस तरह से किया, सेम जगह डाला, 4 बार हमने इसे खींच के लंबा कर लिया। और फिर देखिए यहाँ नीचे से इस तरह से पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद यहाँ से इस तरह से इसे हम निकालेंगे उनको, ये हमने निकाल लिया, ये देखिए किनारे साइड में हमारा ये बचा हुआ है, तो बस इसी में हमें इस तरह से डालना है और डालने के बाद फंदे को निकालना है। फंदे को निकालने के बाद 2 फंदे से अपना एक फंदा हम कर देंगे, देखिए इस तरह से हो गया। फिर यहाँ पे हमें 1 और 2 2 चेन बुननी है और फिर यही सेम चीज़ हमें यहाँ पे करनी है। तो चलिए मैं ऐसे ही पूरा इसे यहाँ तक बुनते हुए आती हूँ, फिर आगे बताऊँगी कि क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे अपनी पूरी रो जो है वो कंप्लीट कर दी है, लास्ट में भी हमने 2 चेन बनाई हुई है। अब हमें क्या करना है, देखिए ग्रीन वाले ऊन को इस तरह से नीचे करेंगे और यहाँ पे हम इसे ज्वाइंट कर देंगे, ये इस तरह से ये हमने ज्वाइंट कर दिया। ज्वाइंट करने के बाद आप चाहें तो इस तरह से नॉट लगा के इसे कट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमें तुरंत ज़रूरत पड़ेगी नहीं इसकी, तो हम फिर बाद में इसे ज्वाइंट कर लेंगे। ये हमने इसे कट कर दिया, ये देखिए कुछ इस तरह से है। अब हम यहाँ पे अपना ब्लू कलर वाला ऊन
लगाएंगे। ये देखिए हमें आप यहाँ पे किस तरह से बुनना है, कहीं से भी यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखें, ये चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये जो इसकी टिप है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ये इस तरह से बुनना है। ये देखिए फंदे को निकाला, एक दो, दो चेन बनाई। अब यहीं सेम जगह डाल के हम इस तरह से बुनेंगे डबल क्रोशिया। मैंने एक बार बुना और ये जो हमारा अब यहाँ सेंटर में खाली वाला हिस्सा है यहाँ पे हम देखें इस तरह से बुनेंगे। यहाँ पे टोटल हमें पांच बार बुनना है। तो देखिए एक बार बुन दिया डबल क्रोशिया, दो बार बुन दिया डबल क्रोशिया, तीन बार बुन दिया डबल क्रोशिया, ये चार बार बुन दिया डबल क्रोशिया और ये लास्ट पांच बार बुन दिया डबल क्रोशिया। ये हमने यहाँ बुन दिया। अब देखिए आगे ये जो हमारे इस डिज़ाइन की टिप है इसमें हम बुनेंगे। तो ये इसमें हमने डाला और इसमें हमने एक बार और यही सेम जगह हम एक और बार बुनेंगे। दो बार बुनना है यहाँ पे जो हमारे डिज़ाइन का ऊपर वाला हिस्सा है इसमें हम दो दो बार, और बाकी ये जो सेंटर में खाली वाला हिस्सा है इसमें हमें पांच पांच बार बुनना है। देखें ये एक बार हो गया, ये दो बार हो गया, ये हमारा तीन बार हो गया, ये चार बार हो गया और ये लास्ट पांच बार हो गया। इसी तरह से ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। ये देखें यहाँ पे पांच बार, ये ऊपर वाले में दो बार, ऐसे करके पूरी रो कंप्लीट करनी है। चलिए कर लेती हूँ फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखें ये हमारा हो गया, यहाँ पे हमने इसे ज्वाइंट कर लिया, इस तरह से आया है। अब क्या करना है यहाँ पे, ये देखिए ये ग्रीन कलर का ऊन लेंगे, इस तरह से हमने निकाला, निकालने के बाद ब्लू वाले को खींच देंगे। और खींचने के बाद देखिए इस तरह से एक दो, दो चेन बनाई यहाँ पे, पहले इस चेन में डाल के इस तरह से डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये एक बार हमने बुन दिया, यहाँ पे हमने दो बार बुन दिया और ये हमने तीन बार बुन दिया। अब देखें इसके बाद क्या करना है, एक और दो, दो चेन का गैप देने के बाद तीसरी चेन में हम चार चार बार अब बुनते चले जाएंगे। पहली बार हमने इसलिए तीन बार बुन दिया क्योंकि स्टार्टिंग में हमने दो चेन बनाई हुई थी। अब देखें इस तरह से हमें बुनना है, दो बार हो गया, ये तीन और ये चार, चार बार हमने बुन लिया। फिर यहाँ पे हम दो चैन का गैप देंगे और दो चैन का गैप देने के बाद चार बार बुनेंगे। देखिए एक चैन, दो चैन और तीसरी चैन में फिर हम चार बार बुनेंगे। इसी तरह से अपना ये रो कंप्लीट करना है। चलिए करती हूँ फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए ये हमने यहाँ पे इतना इसे बुन लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये अब रेड कलर से हमें बुनना है। तो यहाँ पर मैं रेड कलर का ऊन ले लेती हूँ और अब हम रेड कलर से बुनेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए कहीं से भी ये जो हमने चार चार का बंच बनाया हुआ है इन्हीं के सेंटर सेंटर में हमें बुनना है, जैसे हम बुनते हुए आ रहे थे। देखिए इस तरह से ये हमने यहाँ पे एक दो तीन, तीन चेन बनाई। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से करेंगे और देखें इसी के बीच में हमें सेम तरीके से बुनना है। देखिए एक बार, दो बार, तीन बार और ये लास्ट चार बार। चार बार करने के बाद यहाँ से हम पकड़ेंगे, पकड़ने के बाद यहाँ से ये निकाल लिया। अब देखिए जो हमने पकड़ा था उसमें इस तरह से डालेंगे, फंदे को निकाला, यहाँ से निकाल लिया। बस यहाँ पे चेंज क्या रहेगा, देखें एक दो तीन, पिछली बार हमने यहाँ पे दो चेन बनाई थी, इस बार हमने यहाँ पे तीन चेन बना दी, बस इतना सा ही अंतर है यहाँ पे, बाकी सारी चीज़ें हमारी सेम है। देखें फिर ये चार के बंच के बीच में से इस तरह से दो तीन और ये चार, देखें यहाँ से हमने बुन दिया। बुनने के बाद इसमें से डाल के निकालेंगे, ये देखें फिर यहाँ पे एक दो तीन, ऐसे ही करके हमें यहाँ पे इसके पूरे राउंड पे बनाना है। चलिए बना लेती हूँ फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे इतना बुन लिया, आप चाहें तो इतना ही छोड़ सकते हैं। ये देखिए इतना भी घेर इनफ है, बट मैं यहाँ पे थोड़ी सी और डिज़ाइन बनाऊँगी जो कि मेरी लास्ट डिज़ाइन रहेगी। ब्लू कलर से आउटलाइन है ये इसकी, देखें किस तरह से हमें बनाना है। कोई भी एक यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने डाला, ध्यान से देखिए आप, ये इस तरह से, ये देखिए यहाँ से निकला। अब यहाँ पे मैंने ये एक दो तीन चार, चार चेन बनाई। अब देखिए अभी मेरे पास यहाँ पे एक फंदा है इसमें। अब देखिए एक बार लपेटा, दो बार लपेटा और ये तीन बार हमने लपेट लिया। तीन बार लपेटने के बाद यहाँ इस होल में हम डालेंगे, ये देखें होल में डाल के पीछे से फंदे को निकाला। अब देखें यहाँ पे दो फंदे से एक बार, दो फंदे से एक बार और दो फंदे से एक बार हमने निकाले। अब देखिए हमारे हुक में यहाँ पे ऊपर दो फंदे हो गए। फिर हम क्या करेंगे, एक दो तीन, तीन बार हमने लपेट लिया। फिर यहाँ पे सेम जगह डालेंगे, ये हमने पीछे से निकाला। फिर देखें
दो फंदे को एक बार, दो फंदे को एक बार और दो फंदे को एक बार। जब हम तीन बार लपेट रहे हैं तो दो फंदे को एक बार, दो फंदे को एक बार, दो फंदे को एक बार, तीन बार ऐसे हमें निकाल लेना है। अब देखिए हमारे पास ऊपर तीन फंदे हो गए। अब हमें क्या करना है, ये देखें इस तरह से एक बार लपेटा, दो बार लपेट लिया। अब फिर हम यहाँ पर डालेंगे, इस बार हमने दो बार ही लपेटा है, ध्यान दीजिएगा आप। पीछे से निकाला, अब देखिए दो फंदे को एक बार और दो फंदे को एक बार, सिर्फ दो बार ही निकालेंगे क्योंकि हमने दो बार ही लपेटा था। अब ऊपर हमारे पास यहाँ चार फंदे हो गए। फिर हमने इस तरह से दो बार किया, फिर सेम जगह डाला, देखिए फंदे को निकाला, ये दो फंदे को एक बार और दो फंदे को एक बार। अब ऊपर देखिए हमारे पास पांच फंदे हो गए। अब हम यहाँ पे एक बार लपेटेंगे और ये हमने डाला, ये निकाला, ये देखिए यहाँ पे दो फंदे को सिर्फ एक बार निकालना है क्योंकि हमने एक बार लपेटा है। ऊपर देखेंगे अगर आप तो छः फंदे हो गए हैं। अब फिर हमने इस तरह से किया और यहाँ पे डाला, फिर निकाला। अब देखें एक ही बार हमने लपेटा था तो दो फंदे को सिर्फ एक बार। अब यहाँ देखिए ये टोटल हमारे पास सात फंदे हो गए हैं यहाँ पे। अब हमें किस तरह से बुनना है ये देखें, ये सातों फंदों को अब हम घटाने वाले हैं। तो यहाँ से इस तरह से निकालेंगे, ये देखें दो फंदे से एक बार हमने निकाल लिया। यहाँ पे देखिए हमारे पास तीन तीन छः फंदे बचे हैं। फिर देखें दो फंदे से एक बार निकालेंगे, अब देखिए पाँच फंदे बचे हैं। फिर इस तरह से दो फंदे से एक बार निकालेंगे, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास चार फंदे बचे हैं। फिर इस तरह से दो फंदे से एक बार निकालेंगे, तीन फंदे बचे हैं। फिर इस तरह से दो फंदे से एक बार निकालेंगे, दो फंदे बचे हैं। फिर इस तरह से दो फंदे से एक बार निकालेंगे, अब एक फंदा बचा है। देखिए हमारा कितना सुंदर सा ये डिज़ाइन बन गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक दो तीन, तीन चेन बनाने के बाद ये देखिए जहाँ से हमने तीसरी तीन चेन अपनी बनाई है वहीं पर इस तरह से हुक को डालेंगे, फंदे को निकाला और इसे हमने यहाँ से निकाल दिया। अब हमें कैसे बुनना है ये देखें, यहाँ पे डालेंगे ये, इस तरह से हमने सिंगल क्रोशिया बुनना है। फिर अगले में डाला, ये हमने सिंगल क्रोशिया बुन लिया। फिर यहाँ पे देखिए अगले में डाला और सिंगल क्रोशिया बुन दिया। फिर यहाँ अगले में डाला और ये सिंगल क्रोशिया बुन दिया। फिर यहाँ पे देखिए अगली में डाला और ये सिंगल क्रोशिया बुन दिया। ये देखिए ये इस तरह से हमारा डिज़ाइन आया है। एक और सिंगल क्रोशिया हमें यहाँ पर डाल के बुनना है। ये देखिए ये ब्लू वाले में ही अभी मैं डाल रही हूँ, इस तरह से ये बुन दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये हमारा डिज़ाइन फिर से आ गया है तो इसमें हम इस तरह से डाल के और ये जॉइंट करेंगे। ये देखिए एक हमारा फ्लावर यहाँ पे भी बना है इस तरह से। फिर हमें सेम चीज़ इधर भी अब बीनते चले जानी है। देखिए कैसे, एक दो तीन चार, चार चेन हमने बना ली, एक दो तीन, तीन बार पहले लपेटेंगे यहाँ पे होल में डाल के, दो फंदे को एक बार, दो फंदे को एक बार, दो फंदे को एक बार, ऊपर दो फंदा हो गया। फिर हमने तीन बार लपेटा, फिर सेम जगह डाल के, ये देखें दो फंदे को एक बार, दो फंदे को एक बार और दो फंदे को एक बार, अब ऊपर तीन फंदा हो गया। अब हम दो बार लपेटेंगे, ये देखिए दो फंदे को एक बार और दो फंदे को एक बार, ऊपर हमारे पास चार फंदा हो गया। फिर दो बार लपेटेंगे, फिर वही चीज़, दो फंदे को एक बार और दो फंदे को एक बार, ऊपर हमारे पास पाँच फंदा हो गया। अब हम एक बार लपेटेंगे, ये देखें दो फंदे को एक बार। फिर हमने किया, एक बार लपेटेंगे और दो फंदे को एक बार, इस तरह से। यहाँ पे देखिए हमारे पास टोटल सात फंदे आ गए हैं। तो यहाँ से हमें दो फंदे को एक बार, 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 दो फंदे को एक बार और दो फंदे को एक बार, इस तरह से करके निकालना है। और उसके बाद अब हमें यहाँ पर अपनी तीन चेन बनानी है, एक दो तीन, तीन चेन बनाने के बाद यहीं पे हम इस तरह से इसे जॉइंट करेंगे। अब यहाँ पे सभी चेन में हम एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए जो नीचे तक आती गई है सभी में सिर्फ एक एक बार हमें बनाना है। एकदम सिंपल और आसान तरीका है गाइस, बहुत आसानी से मैंने आपको इसे बनाना बताया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगी बनाने में, आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखिए हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हमारा ये जो डिज़ाइन आ रहा है इसमें हम डालेंगे और इस तरह से इसे ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट करने के बाद एक दो तीन चार, चार चेन बनाई और फिर से अपना यही डिज़ाइन हम बना लेंगे। चलिए मैं यहाँ पे पूरे पे कर लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसके पूरे राउंड पर बना दिया, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब मैंने यहाँ पर ये डोरी ली है, देखिए सिंपल सी चेन से डोरी बनाई है, ये हम यहाँ पर डाल देंगे। ये देखें ये इस तरह से यहाँ हमें डाल देना है। बहुत ही आसान सा तरीका है गाइस, बहुत आसानी से आप भी इसे बना सकते हैं और बहुत खूबसूरत सी आपकी
ड्रेस बन के रेडी होगी। ये देखिए ये हमारी डोरी हो गई। अब हम इसे साइड करते हैं और हम कैप बना लेते हैं। तो कैप के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले ब्लू कलर का ऊन लिया है। हम देखें क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ पे लूप बनाई मैंने। अब यहाँ पे देखें 1 2 3 4 चार चेन बनाई। यहाँ पे फर्स्ट चेन में हमने डाला लास्ट वाली जो हमारी है, और इस तरह से इसे लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद क्या करेंगे, 1 2 2 चेन बनाई, और अब इस छोटे से सर्कल के अंदर हम डालेंगे और डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये देखें यहाँ पे टोटल हमें 12 डबल क्रोशिया बुननी है। ये इस तरह से जो स्टार्टिंग में हम चेन बनाते हैं उसे भी हम 1 डबल क्रोशिया मानते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमारी टोटल 3 डबल क्रोशिया हो गई है। तो बाकी की 9 मैं बुन लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे टोटल 12 अपनी डबल क्रोशिया बनाई है। अब हम इसे इस तरह से यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे तो हमारा सर्कल बन जाएगा। ये देखें ये इस तरह से ये सर्कल बन गया है। ये देखें अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 2 2 चेन मैंने बनाए। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट चेन में हमने इस तरह से ये देखें 2 बार डबल क्रोशिया बनाया, फिर अगली चेन में 1 बार बनाऊंगे। इसी तरह से पूरा रो कंप्लीट करना है। एक चेन में आप 1 बार डबल क्रोशिया बनाएं और दूसरी चेन जो आएगी उसमें 2 बार। तो देखिए अब इस वाली में हम 2 बार बना लेंगे ये इस तरह से, और फिर नेक्स्ट में हमें 1 बार डबल क्रोशिया बुनना है, और इसके अगली वाली जो है इसमें हम 2 बार बुन लेंगे। देखें ये 1 और यहीं सेम जगह एक और। चलिए मैं इस तरह से पूरा रो कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए ये हमारा हो गया है। अब मैंने यहाँ पे अपना ग्रीन कलर का ऊन ले लिया है, अब हम इसे बुनेंगे। यहाँ से हमने निकाला और इसे हमने थोड़ा सा टाइट करके एक्स्ट्रा जो था उसे कट कर देना है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम 1 और 2 2 हमने चेन बनाई, और इस तरह से फर्स्ट चेन में हमने देखे 1 बार, यहाँ सभी चेन में हमें 1 1 बार डबल क्रोशिया बुनते चले जाना है। कुछ घटाना बढ़ाना नहीं है, नॉर्मल सभी चेन में सिर्फ 1 1 बार डबल क्रोशिया बुनते हुए चले जाएं। चलिए मैं पूरा बुन लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए ये हमारा हो गया है। अब हम यहाँ पे रेड कलर से बुनेंगे, एकदम प्लेन सिंपल सा हमें बुन देना है। जैसे हमने ग्रीन कलर से बुना सभी चेन में 1 1 बार, वैसे ही हम अब रेड कलर से बुन देंगे। सभी चेन में 1 1 बार डबल क्रोशिया बनाते चले जाना है, कोई चेंज नहीं है। लेकिन 2 चेन बनाई और यहाँ फर्स्ट चेन में इस तरह से डबल क्रोशिया बुन दी। बस चलिए बुन लेती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना। ये देखिए ये हमारी कैप रेडी हो गई, हमारी कैप भी रेडी हो गई, ड्रेस भी रेडी हो गई। चलिए अब कान्हा जी को पहना के फिर आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए गाइस मैंने यहाँ पे ये जो ड्रेस है वो पहना दी है 4 नंबर के कान्हा जी को, और मेरे पास 3 नंबर के कान्हा भी है। तो 3 नंबर के कान्हा को भी ये बहुत अच्छे से फिट आई हुई है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से आप बना के पहना सकते हैं 3 नंबर को भी और 4 नंबर को भी। पहना के मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखा दिया, अगर आपने वीडियो स्किप कर दिया तो आप जाके चेक कर सकते हैं। आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।